जो होना था वो हो गया, अब सारी बातें भूल जाओ। मैंने तुझे भाषण देने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, मेरे भाई के कत्ल का बदला लेना है। लेकिन अलेक्जेंडर तो मर चुका है। सिर्फ अलेक्जेंडर ही नहीं, मैं उसके पूरे खानदान को खत्म करना चाहता हूँ। मामूली रकम लेकर तू बम लगाने का काम करता है, लेकिन मैं तुझे 10 लाख दूंगा। बम को कहाँ और कैसे रखना है ये तुम्हारा काम है। बस अलेक्जेंडर का वो बेटा जॉर्डन मरना चाहिए। हमको खबर मिली है, इस ट्रक में विस्फोटक सामान है। पुलिस स्टेशन चल, चुपचाप इस ट्रक को लेकर पुलिस स्टेशन चल। चुपचाप बात मान ले वरना शूट कर दूंगा इधर ही। नहीं, मैं ट्रक लेके आता हूं ना पुलिस स्टेशन। चल ट्रक निकाल, चल जल्दी। इल्लीगल बिजनेस करने वाला एक बड़ा ही खतरनाक खूंखार और शातिर आदमी है सूर्यदास। उसने हम पुलिस वालों की नाक में दम कर रखा है। यह है विक्रम, सूर्यदास का बड़ा बेटा। ही इज द मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। यह है सूर्यदास का छोटा बेटा संजय, ये बॉक्सिंग करता है और बाप इसके मैचेस पर बेटिंग करवाता है। But we don't have any solid evidence. हम उन्हें कई बार पकड़ भी चुके हैं, लेकिन ऊपर तक पहचान होने की वजह से वो हमेशा बच जाता है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सर, हमने
कल जिस आदमी को पकड़ा है वो सूर्यदास का ही आदमी है। सिर्फ आपका ये कहना काफी नहीं होगा, उसे खुद ये बात कबूल करनी होगी कि वो सूर्यदास का ही आदमी है। वो कबूल कर लेगा सर। मारो। अगर तू जीना चाहता है तो सच सच बोल। सच सुनना चाहती हो तो फिर सुनो, मेरा बॉस आ रहा है। अगर जान प्यारी है तो जस्ट टेल मी हू इज योर बॉस। जितना तुम लोगों ने मुझे मारा है उसका बदला मेरा बॉस लेगा। स्टॉप। लगता है पुलिस वालों को अच्छे से जानता नहीं। तुम पुलिस वाले मेरे बॉस को नहीं जानते। तुम मेरे बॉस को छू भी नहीं सकती। मेरा बॉस आएगा और यहां से मुझे बचा के ले जाएगा। कौन है बेटू? वहीं बैठ जा। क्या कहा तूने? Don't move. Go back. चलो कम निखिल कम। वहीं रुक जाओ। रुक जाओ निखिल, गाड़ी स्टार्ट कर। रुक जाओ। Follow them. पुलिस के चंगुल से कैसे बच के आया? बॉस, जिसको आपने भेजा उसी ने मुझे बचाया। मैंने किसको भेजा? आपने ही तो भेजा। ए, मैंने किसी को नहीं भेजा। लेकिन बॉस, वो तो मेरे साथ आया है। कौन है ये? कौन है तू? जॉर्डन।
सन ऑफ अलेक्जेंडर। कौन अलेक्जेंडर? ये 23 साल पहले की बात है। तू और तेरा बॉस, तेरे जैसे और शहर के सभी क्रिमिनल्स के लिए एक बुरा सपना था अलेक्जेंडर। उसी अलेक्जेंडर का बेटा हूं मैं, जॉर्डन नाम है मेरा। ए, तेरा भी वक्त आ गया। तेरे जिंदा होते हुए मैं कैसे मर सकता हूं? तो आज तू मरेगा। मारो। मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं लोगों को यह बताने के लिए, और खासकर तेरे पार्टनर सूर्य दास को, कि ये जॉर्डन अब भी जिंदा है। बता दे उसे। अलेक्जेंडर,
अब और कितनी देर हम यहाँ इसी तरह रुके रहेंगे? किसी को तो चिता को आग देनी होगी। अरे ये कोई अनाथ नहीं है, कृष्णदास नाम है इसका, ऐसे कैसे आग दे दे? तू जानता नहीं है, इसका एक भाई है, बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली। अरे उससे क्या फायदा, आग देने के लिए आना तो चाहिए। अगर किसी ने भी चिता को आग दी तो उसके पूरे खानदान को जलाकर राख कर देगा वो सूर्यदास। हाँ बस आता ही होगा। बता धोखेबाज, तेरे बॉम्ब रखने के बाद भी वो जिंदा बचकर कैसे निकल गया? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे 10 लाख रुपए दिए थे आपने उसे मारने के लिए, लेकिन खादर ने मुझे 15 लाख दिए उसे बचाने के लिए और 5 लाख रुपए दिए ये खबर फैलाने के लिए कि खादर और जॉर्डन मारे जा चुके हैं। अब मैं क्या करता, आप ही बताइए। तूने हमारे साथ धोखा किया है, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अगर आज तुझे जिंदा छोड़ दिया तो लोग हम पर हंसेंगे बुड्ढे। कौन है बे तू और इतना स्टाइल क्यों मार रहा? बिल्डअप है ये, मेरा स्टाइल है एंट्री मारने का। बकवास बंद कर, बता कौन है तू? मेरा नाम है थंगबली, सन ऑफ बॉम भास्करन। तो तू इस धोखेबाज का बेटा? नहीं, मेरा बाप है ये धोखेबाज। मतलब तू यहाँ खड़े खड़े देखता रहेगा कि मैं इसे तेरे सामने यहाँ कैसे डपकाता हूँ? तुझे लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? ओके, वैसे भी इसकी जिंदगी से मुझे कोई फायदा नहीं। क्या बोला? अगर ये मर गए तो इनके लिए नुकसान नहीं, लेकिन मैं मरूंगा तो एक बात पक्की है कि बचोगे नहीं तुम दोनों नमूने। ए क्या बकवास कर रहा है तू? अरे विलन होके थोड़ा सा मजाक नहीं समझते हैं? इतनी टेंस सिचुएशन में थोड़ा सा हंसी मजाक करने से सीन थोड़ा अच्छा बन जाता है। वैसे एक सीरियस बात अगर मैं बताऊं तो जान लो कि जॉर्डन जिंदा है और तुम दोनों को ढूंढ रहा है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो कहां है, लेकिन मैं जानता हूं। जॉर्डन 2-4 दिन में मुझे एक बार फोन जरूर करता है। बता अभी कहाँ है वो? अब तक तो मैंने उसे पूछा नहीं, लेकिन अब मैं इस बारे में जरूर पूछूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। अबे मुंह बंद रखो वरना मैं बोलूंगा गोली मारो। लेकिन मैं तुझ पर विश्वास क्यों करूं बता? अगर तुम्हें मेरे डैड की जिंदगी लेनी है तो विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जॉर्डन की जिंदगी चाहिए तो मुझ पर विश्वास करना होगा। ओके विश्वास करते हैं, तुम हमें जॉर्डन की खबर दो और हम तुम्हें जीने का एक और मौका देंगे। लेकिन चालाकी करने की कोशिश की तो तुझे ठोक देंगे, साथ में मेरे डैड को भी। हाँ चलो संजय। बेटा ये तुमने क्या कह दिया? अभी तक गए नहीं वो? वो तो चले गए। ठीक है तो बोलो। अच्छा सच में मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अलेक्जेंडर के बेटे जॉर्डन को जानते हो? अरे मैं अलेक्जेंडर को नहीं जानता तो उसके बेटे जॉर्डन को कहाँ जानूं? तो फिर तुमने उनसे ऐसा क्यों कहा? एक बहुत बड़ा झूठ है ये। इस बार तो तुमने हमें बचा लिया, लेकिन अगली बार हम लोगों को कौन बचाएगा? मैं कह दूंगा आइडिया तुम्हारा था डैड। तुम ऐसा नहीं कहोगे बेटा। अगर चाहते हो कि ये नहीं कहूं तो मुझे 10 लाख दे दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। मौसम है बड़ा रंगीला,
मेरा नशीला, ऐसे ही क्यों ये दिल आ जाएगा तुम पे, बदन मेरा फिर रखता छू भी ले। हदाओं का है ये जाल, आ जाए जो एक बार, जाना पाएगा वो बच के। सितम उठाती एक बार दीवानों पे मैं यार, जाना पाएगा वो बच के। एक तो ये मौसम है बड़ा रंगीला, उस पे हुस्न मेरा नशीला। Say my name, my swag brag. I ain't tryna bring back flashbacks. I'ma call shorty, then my boss say, baby, you my hearty, crush me lady. Ain't no ties, you gon' be hypnotized. Make me fly and touch the sky. Miss Monroe, or one more. Burn my desire, my jade is fire. Yeah, yeah, yeah. जुनू दिल मेरा जो चुरा ले, है कोई मर्द इस पर यहाँ आके मुझे जो चूम ले। नाम कर दू के जवानी, दिल कर दू उसके हवाले। आग हूँ मैं, बस आग हूँ मैं, उलझना मुझसे कभी तू, तू पलटी मार ले। है कौन वो जोशे जुनू मेरा जो चुरा ले, है कोई मर इस पर यहाँ आके मुझे जो चूम ले। नाम कर दू के जवानी, दिल कर दू उसके हवाले। डिंगा 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 डिंग डिंगा 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 डिंग डिंगा 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 डिंगा। जो कोई राज हो गर छुपा, जाकर उसे में कर ले ये दुनिया, कर ले दुनिया। आज बता दे कोई तुझसा नहीं है, कोई तुझसा नहीं है, सोचे क्यों इतना। जो कोई राज होकर छुपा, जाकर उसे तू चुरा ले। मौका है आज कुछ कर जाने का, जाने ना देना उसे। मौका ऐसा ना मिलेगा दोबारा, बस में कर ले ये दुनिया। हाँ बोलो जो। सर डील ओके है। वेरी गुड। ब्रीफकेस एक्सचेंज कर लूँ? हाँ कर लो। ओके सर, ठीक है। ओके लेट्स प्रोसीड। तुझे पैसे चाहिए, तुझे माल चाहिए, और मुझे दोनों चाहिए। Yeah.
तुम पर। हम भरोसा करके इंडिया में बिजनेस शुरू किया, कल जॉर्डन हमारा 2 आदमी को मार दिया, हमारा 20 मिलियन का नुकसान हुआ है, बताओ अब हम क्या करेगा? मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं कर सकता, दोबारा कॉल मत करना, गुड बाय। इस बिजनेस में जिस आदमी की जरूरत नहीं उसे हम जिंदा नहीं छोड़ते, समझे खान? हमारा बिजनेस के लिए इसे मारकर फायदा नहीं, जॉर्डन को मारना चाहिए। हाँ बोलो विक्रम। हमारे बिजनेस में अड़ंगा डालने वाले को खुला छोड़कर आप तमाशा देख रहे हैं? नो टेंशन माय डियर सन, वो जल्दी हमारे हाथ लग जाएगा, फिर हम उसे खत्म कर देंगे। उसे ढूंढने में आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है? आदमी कम पड़ रहे हैं क्या? अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं वहां आ जाता हूं। तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम वहां अपने बिजनेस पर ध्यान दो, यहां हम सब संभाल लेंगे। बी हैप्पी माय डियर सन। यस तंगबली स्पीकिंग, सन ऑफ बॉम भास्करन, कौन बोल रहा है? मैं संजय बोल रहा हूँ, सन ऑफ सूर्यदास। संजय जी, हम लोग बस आप ही की बात कर रहे थे, आपकी उम्र बहुत लंबी होने वाली है। झूठ मत बोलो, हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। अरे डैड, पता है किसका फोन है? ना देखो कौन अचाना है, क्यों फोन करके हमें डिस्टर्ब कर रहा है? रे, अगर दोबारा फोन किया तो घर में घुस के मारूंगा। चल फोन रख बेवकूफ, गला कहीं का। ए, क्यों कुत्ते की तरह भौंके जा रहा है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम संजय है। ये ले तेरा फोन, बात कर बात कर बात कर। हेलो जी, बोलिए सर। क्या बे, तूने हमसे कहा था कि तू हमें जॉर्डन की खबर देगा, तो फिर खबर क्यों नहीं दिया? सर मैंने उसे फोन किया था लेकिन उसने बताया नहीं कहा है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फंसा ही नहीं। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको आके बता दूंगा। अबे चंपो, तेरी जिंदगी जॉर्डन के हाथ में है लेकिन तेरी मौत मेरे हाथों होगी, समझा क्या बे? क्या हुआ, पैसा लाया है तुमने? वेपन्स रेडी है कि नहीं? या एवरीथिंग ओके। क्या मैं देख सकता हूँ? श्योर। ओके चलिए चलते हैं। तुमने हथियार तो देख लिए, अब मुझे पैसे दिखाओ। ओके श्योर। ये क्या है? तुम यह बॉम्ब क्यों लाए? मैं इसे नहीं लाया हूं। सन ऑफ अलेक्जेंडर, ये डील तेरे और इसके बीच नहीं बल्कि मेरे और तेरे बीच है। भागने की कोशिश की तो मैं ये बटन दबा दूंगा और तुम सब मारे जाओगे। Yeah!
पेपर बॉम्ब लगाकर जॉर्डन ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। बिजनेस में कमिटमेंट जरूरी होता है, तुम जो चाहे कर लो, मुझे मेरा माल मिल जाना चाहिए। सॉरी, अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते। डोंट वरी, दो दिन के अंदर तुम्हारा माल तुम्हें मिल जाएगा। पशो विक्रम दास, अब माल की कोई अहमियत नहीं है, मुझे गलत मत समझना, और जब तक जॉर्डन जिंदा है हम ये बिजनेस कभी नहीं कर सकते। मैंने कुछ बताने के लिए फोन किया है। जॉर्डन के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन? सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, जॉर्डन खुद आ रहा है। जॉर्डन आने वाला है? अभी क्या कहा तुमने? उसके अंतिम संस्कार के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दो। वो सब मैं बाद में देख लूंगा, पहले ये बता वो है कहाँ। होटल चकर्स, रूम नंबर 6022। ओके। हाँ, मैंने तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दिए। हाँ तो तू ऐसी उटपटांग बातें क्यों कर रहा है सनो भास्कर? मैं समझा, तुम्हारी बात मानकर वो लोग वहाँ होटल में जाएंगे। हाँ। अगर उन्हें वो जॉर्डन वहाँ नहीं मिला तो वो लोग यहाँ आएंगे हमारी बैंड बजाने। अरे बिना वजह डरने की जरूरत नहीं है, मेरा खेल देखो कमाल का है। है? हेलो, असिस्टेंट कमिश्नर से बात हो रही है? यस, हु स्पीकिंग? मैडम, बहुत ही मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन जॉर्डन, जिसकी आपको तलाश है, वो एक होटल में ठहरा है। कौन से होटल में? होटल चकल्स, रूम नंबर 6022। पहुंचने में देरी बिल्कुल मत करना। आप कौन बोल रहे हैं? इनफॉर्मर। नाम क्या है? सुना नहीं, अभी तो कहा इनफॉर्मर। हेलो, स्वीट वॉइस। हम जानते हैं कि तुम यहाँ जॉर्डन की तलाश में आए हो। दिस इज अ होटल, अ पब्लिक प्लेस, सो इमीडिएटली तुम यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज आई विल अरेस्ट यू। यू कैन गो नाउ। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे वाह, क्या बात है, जॉर्डन को मार दिया और उसके बाद उसे फ्राई करके खा गए। सॉरी सन ऑफ बॉम्ब भास्कर, जॉर्डन के बारे में पुलिस वालों को भी पता चल गया था, वो भी वहीं थे। इस बार बच गया वो। तुम्हारे लिए था जस्ट मिस, पर जॉर्डन के लिए बेस्ट मिस। इतना अच्छा मौका गवा दिया, दोबारा ये मौका भगवान भी नहीं देगा। लेकिन तंग वली ने ये मौका दिया था, क्योंकि मैं अक्सर भीख देता रहता हूँ। अब जरा ध्यान से सुन, किस्मत तेरे दरवाजे तक दस्तक देते हुए खुद आई थी और तू चला गया अपना मुंह धोने। अब ये कोई अनाथालय तो है नहीं जहां बार बार आ जाओ। ला मुझे दे। सुन, मेरा बेटा ज्यादा बात करता है तो उसके मुंह में दर्द होता है। रखो, लगता है डर के मारे उसने फोन रख दिया। अगर मेरा बेटा ज्यादा बात करता है तो उसके मुंह में दर्द होता है। आप गुस्सा मत कीजिए बॉम्ब भास्कर, आप अपने बेटे को बोलिए कि मुझे एक और मौका दे दे, इस बार नहीं बचेगा वो। हाँ, इसी तरह तमीज से बात करो। ओके, आई विल ट्राई। नच के दिखाऊं तुझको, झूम के दिखाऊं तुझको, ऐसे रंग जमाऊं तुझको, दिल बड़े गोला, ये मेरा कशन, ये मेरा एक्शन, वेलकम ओ लेडी, कम टू माय गाड़ी, मौज करेगी दुनिया, घुमा दे ऐसा धुआं दे, नच के दिखाए बेबी, नच के दिखाए और हंसाए, ना फिक्र किसी की, शोर मचाए बेबी। हेलो
जरा डिक्की खोलो। बोलो। हमने जॉर्डन को पकड़ लिया सर। उसे सीधा यहाँ मेरे पास लेकर आओ। आज मैं उसे अपने इन हाथों से मार दूंगा। जॉर्डन अकेला नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। एक लड़की भी है जिसने आज उसकी जान बचाई। है? शर्म नहीं आती तुझे? एक लड़की तुझसे उस जॉर्डन को बचाकर लेके गई। आज तो वो भाग गया, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। कल उसके बाप अलेक्जेंडर की बरसी है, कल वो उसकी कब्र पर आएगा और मौका मिलते ही हम लोग उसे मार देंगे। ओके डैड, इन आदमियों पर भरोसा करके कोई फायदा नहीं, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अलेक्जेंडर रुक जाओ।
हेलो मिस्टर जॉर्डन, आज सिर्फ तेरे प्यारे बाप की बरसी नहीं है, आज तो तेरा दादा भी टपकने वाला है बेटा, आकर उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देगा? ए, ये क्या बक रहा है? बक नहीं रहा, सच कह रहा हूँ। तेरे उस दादा की जिंदगी अब मेरे हाथों में है। अगर तू उसे जिंदा देखना चाहता है तो 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ आ जा। ए वड्डे, अगर 5 मिनट के अंदर तेरा पोता नहीं आया तो तू जरूर जाएगा ऊपर, समझा क्या? इसके अंदर जितनी भी गोलियां है ना, सारी की सारी एक एक करके तेरे अंदर उतार दूंगा, समझा? जब तुमने खिलौने के गन से खेलना शुरू किया था तब से मैं ऐसी गन को तुम जैसों पर इस्तेमाल करता आया हूँ। बुढ़े, तेरा फ्लैशबैक नहीं सुना मैं, प्रेजेंट की बात कर। चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कौन है? लगता है वक्त के साथ तुम्हारी याददाश्त भी चली गई है। ये तेरा पोता है बे, सन ऑफ एलेक्जेंडर। जानते हो ना कि शेर शेर ही पैदा करता है और एक बाघ जन्म देता है बाघ को ही, कभी भी बिल्ली पैदा नहीं करता। क्या बकवास कर रहा है तू? ये मेरे एलेक्जेंडर का बेटा नहीं है गधे। दादाजी मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है, आई एम जॉर्डन, सन ऑफ एलेक्जेंडर। और कुछ जानना चाहते हो? नाटक बंद करो, तुम मेरे पोते नहीं हो। सिर्फ नाम बदलने से ये एलेक्जेंडर का बेटा नहीं बन सकता। तो फिर तेरा पोता कहाँ है? अगर आज मुझे कुछ भी होता है तो तुझे बुलाने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद यहां दौड़ा चला आएगा। ऐसा है मेरा जॉर्डन। तुमने सोचा कि अलेक्जेंडर मर गया तो उसका बेटा भी गया? ऐसा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। जॉर्डन की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो अलेक्जेंडर का ही है। सुन, तुम सबका वक्त बहुत खराब है और मेरा अच्छा है। वो यहां आएगा, यहां जरूर आएगा।
जॉर्डन सन ऑफ अलेक्जेंडर। तुमने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया और वो सब किया जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। तुम वो पहले इंसान हो जो मेरे हाथों मरोगे। तुमने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया और वो सब किया जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। तुम वो पहले इंसान हो जो मेरे हाथों मरोगे। रुक जा, खेल तो अभी शुरू हुआ है। उन दोनों में से एक मारा जाएगा और जो बचेगा उसे हम मारेंगे बेटा। ओके। चल बेटा, चल। जल्दी चला, चल चल। सॉरी मिस्टर जॉर्डन, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की गलती है। ही इज नॉट अ क्रिमिनल, ही इज डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। नाम है जॉन पीटर। हमारे इस पूरे शहर को सूर्यदास और उसके परिवार ने नरक बना दिया है। लोहे को लोहे से ही काटना चाहिए और इसीलिए गुंडों को गुंडागर्दी खत्म करेगी। इसमें मुझे क्या करना होगा सर? We have not called you here as a special police officer, बल्कि तुम्हें एक गुंडा बनना है। मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम्हें नहीं पता इन लोगों को सिर्फ एक ही आदमी से खतरा था, अलेक्जेंडर, लेकिन अब वो मर चुका और ये बात किसी को नहीं पता कि उसका बेटा जिंदा है। और आज तक उसके बेटे को किसी ने भी नहीं देखा है और हम इसका फायदा उठाएंगे। मिस्टर जॉन पीटर, आज से तुम सबके लिए जॉर्डन हो। ओके सर। और ये बात किसी को भी ना पता चले कि तुम एक पुलिस वाले हो। We are extremely sorry, Mr. Jordan, for misusing your name. We followed John Peter for safety. We are extremely sorry, Mr. Jordan. It's okay. दादाजी, मैं दुबई वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ ही रहूंगा। नहीं, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ बेटा। तुम यहाँ से चले जाओ, जब मैं बुलाऊंगा तब तुम यहाँ आ सकते हो। तुम दुबई में रहकर खूब पढ़ाई लिखाई करना, एक अच्छा इंसान बनना। जब तुम ऐसा करोगे तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। मुझे उम्मीद है बेटा तुम मुझे निराश नहीं करोगे। नहीं करूंगा दादाजी। दादाजी, आप जो चाहिए मुझसे कहिए, लेकिन मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझ पर उस ऊपर वाले का और आपका आशीर्वाद है, इसीलिए तो आज मैं जिंदा हूं। तो मैं आपको इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता हूं? मैं आपके साथ ही रहूंगा। अगर तुम यहीं रहोगे तो वो लोग तुम्हें बिल्कुल चैन से जीने नहीं देंगे बेटा। इन्हीं लोगों से दूर रखने के लिए मैंने तुम्हें यहां से दूर दुबई भेजा था बेटा। अगर तुम फिर से यहां रहने लगे तो खतरा हमेशा तुम्हारे
तुम्हारे सर पर मंडराता रहेगा बेटा। अगर तुम्हें सच में अपने दादा से प्यार है तो तुम जल्द से जल्द यहां से चले जाओगे। ठीक है दादाजी, मैं चला जाऊंगा। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप भी साथ चलिए। क्या कहते हो, बताओ तुम अपने पोते से प्यार करते हो? तुम तो चुप ही रहो। देखो बेटा, एक तुम ही तो हो जिसे मैं अपना कह सकता हूं। मेरी बात मानो, पहले तुम जाओ, बाद में मैं आ जाऊंगा। ओके सर। ओके। या सर। सर बाद में फोन करता हूं। ओके या कांग्रेचुलेशन सर। जॉर्डन का केस तो मैं देख रहा था सर, लेकिन आपने तो जॉर्डन बन के पूरे केस को ही रफा दफा कर दिया। आपके जैसे नौजवान ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाएं तो हम बड़ी ही आसानी से हर केस सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स, इट्स माय ड्यूटी। एसीपी मैडम आपसे अर्जेंटली मिलना चाहती हैं। श्योर, लेट्स मूव। क्यों चौंक गए ना? वैसे मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हुआ, बस किसी की टोपी उधार ली है। एसीपी से मिलने आए हो ना? आओ मिलाता हूं। मैडम, जॉन पीटर हैज कम टू सी यू, प्लीज कम। अब भला मैं क्या करूं बताओ ना। मुझे पुलिस वाले को मारने का शौक नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ बोलिए दादाजी। सुन बेटा, जल्दी से घर आ जा तू। लेकिन फ्लाइट का वक्त हो गया है, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि जल्दी से घर आ जाओ। कोई अर्जेंट काम है क्या? जिंदगी और मौत का सवाल है, जल्दी से घर आ जा बेटा। अलेक्जेंडर का बेटा अगर जिंदा है तो हम उसे मार कर ही दम लेंगे। वो तो उसकी तकदीर थी कि वो अब तक बचा रहा, लेकिन अब नहीं बचेगा। तुम उसे दुबई भेज सकते हो, लेकिन ये सूर्यदास उसे सीधा ऊपर भेजेगा विदाउट टिकट।
दादाजी का फोन आते ही मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जानता हूँ, लेकिन यही है अलेक्जेंडर का बेटा। आज से 23 साल पहले तुम्हारे भाई कृष्णदास और अलेक्जेंडर में झगड़ा हुआ था, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। अगर तुम उसका बदला हमसे लेना चाहते हो तो हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पड़ेगा। अगर तुमने जरा भी चालाकी की तो जॉर्डन गोली चला देगा और फिर तू भी मरेगा। तो सुन, जॉर्डन अपने रास्ते जाएगा और तू अपने रास्ते जा। मामले को और मत बढ़ा। अगर हम चाहें तो तुझे और तेरे बेटे को मार सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें यहां से जाने देंगे। चलो अब तुम सब यहां से बाहर निकलो, जाओ ना। आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ बेटा। दादाजी! दादाजी! चलो, चलो! दादाजी! वो लोग तुम्हें कहीं भी जीने नहीं देंगे। तुम्हारे डैड की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने इन लोगों को जिंदा छोड़ दिया। लेकिन बेटा, तुम ये गलती मत दोहराना, मत दोहराना। ये सब जहरीले सांप हैं, इन्हें कुचल देना। एसीपी और वो पीटर मर गया, इतना काफी नहीं है। हमें उस जायरा को भी मारना होगा। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए। मार दिया उसे। दरवाजा तो खटखटा रहा हूँ लेकिन खोल नहीं रहा है। अबे खटखटाने की जरूरत नहीं, दरवाजा तोड़ दे। ये अच्छा। चल आगे चल। चुपचाप साथ चल, वरना तुम दोनों को यहीं ठोक दूंगा। oh!
कुछ भी हो लेकिन तुम अपनी नौकरी मत छोड़ना। सोचा था डिपार्टमेंट में रहकर दुश्मनों को खत्म करूंगी, पर डिपार्टमेंट में ही अगर दुश्मन होंगे तो मैं क्या करूंगी? हाउ कैन आई कंटिन्यू माई जॉब? जॉर्डन ये बिल्कुल सही कह रही है। अंकल प्लीज, वो सूर्यदास के लोग इसके पीछे पड़े हैं। आज तो हमने इसे बचा लिया लेकिन शायद आगे ऐसा ना कर पाए। मैं तुम्हें एक राय दूं, ज़ायरा को हम अपने साथ ही रखते हैं। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, हम भी उसे ऐसे हालात में अकेला छोड़ेंगे तो उसे कौन बचाएगा? लेकिन अंकल आप मेरी बात मानो जॉर्डन। नो अंकल, आप अब कुछ भी मत कहिए। अगर जॉर्डन ही नहीं चाहता तो आप भी चिंता करना छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। अंकल ज़ायरा को रोक लीजिए। देखो वो रुक गई है, आज से वो हमारे साथ ही रहेगी। तेरी मेरी मंजिल मिल गई, अब साथ रहना उम्र भर। तुझे घर भी ले चले मुझे, मुझे रहना तेरे साथ है। तेरी मेरी मंजिल मिल गई, अब साथ रहना उम्र भर। तुझे घर चले मुझे, मुझे रहना तेरे साथ है। तेरी ओर खींचे हर पल मुझे, तेरे साथ का मुझे गुमा। तू मेरा अनुराग, मैं जीवनी, जो चाहा मुझे वो मिल गया। जब से तूने जिंदगी, जिंदगी में आई बहार। धड़कन तेरे नाम की, ये दिल कब तेरा हुआ? ये तूने क्या किया, बेसब्र सा हुआ। बेखबर से साथ रहना उम्र भर। तुझे घर भी ले चले मुझे, मुझे रहना।
कोई है? कोई है जो मुझे हरा सकता है? सामने आओ। Peace. Peace. Peace.
इन्हें कुचल देना, ये सब जहरीले सांप हैं। बाप का अंतिम संस्कार एक बेटा करता है, लेकिन उस जॉर्डन ने मेरे भाई का अंतिम संस्कार मेरे बाप के हाथों से करवा डाला। तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट से आखिर मिलता क्या है? एक छोटी मामूली तनख्वाह और रॉब झाड़ने के लिए ये खाकी वर्दी, गाड़ियां, बंगले और सभी ऐशो आराम तुम्हें मैं देता हूं मेरे पैसों से। क्यों क्यों? मेरे भाई की डेड बॉडी को सल्यूट करने के लिए? मुझ पर भरोसा रखिए, मैं उसे खत्म कर दूंगा। चुप चुप। उसके बाप अलेक्जेंडर के कब्र को फिर से खुदवा कर, उसे उसी कब्र में गाड़ कर, उसके ऊपर फूलों का हार चढ़ाकर ही ये विक्रम दास इस शहर से जाएगा। बोलिए अंकल। तुम्हारा अंकल नहीं भांजे, वो तो अब हमारे कब्जे में है। अच्छा सुन जॉर्डन, तुम मेरे भाई की मौत का जश्न मना रहे हो ना? उस कहानी का दूसरा भाग अभी जिंदा है, ये विक्रम दास। जानते हो तुमने मेरा दिल तोड़ा है दोस्त, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी आओ वरना मैं तुम्हारे अंकल का गला काट कर रख दूंगा। अब तो इसकी मौत लाइव देख सकता है। आओ। अबे इधर आ, बहरा है क्या? अब सुन, अंकल को छोड़ दे वरना मैं तेरे इस आदमी का भेजा उड़ा दूंगा। छोड़ता है या मैं? ए, उसे कुछ मत करना, कुछ मत करना, मैं अंकल को छोड़ देता हूं, छोड़ता हूं।
है कौन ये? मेरा ससुर है या मेरा साला? इसकी मदद से मुझे डराने चला था। ए जॉर्डन, तेरे सर में भूसा भरा है क्या या फिर गोबर? अच्छा एक बात सुन विक्रम, मेरे अंकल को मारने से पहले अपने डैड से एक बार बात तो कर। अरे मैं हूं ना यहाँ पर, फिर डैड की क्या जरूरत है यहाँ? देख मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, अपने डैड को फोन कर ले वरना पछताएगा। हाँ क्या बात है? पूछ तेरे बाप से उसने क्या पहना है। काली पैंट और लाल शर्ट पहनी है ना? डैड क्या आपने काली पैंट और लाल शर्ट पहन रखी है? हाँ। चल उनसे एक बात और पूछ, उनके साथ दो लड़कियां हैं ना? क्या आपके साथ वहाँ दो लड़कियां भी हैं? शर्म नहीं आती ऐसी बात पूछते हुए? लेफ्ट में जूली, राइट में सूजी। पूछ ले। अच्छा जूली आपके लेफ्ट में है और सूजी आपके राइट में? सूजी? हाँ। जूली? हाँ। तुम्हें कैसे पता? स्प्रिंग होटल में ही बैठे हैं ना? डैड क्या आप स्प्रिंग होटल में हैं? अरे तुम्हें कैसे पता बेटा? तुम भी यही हो क्या? अरे जवाब तो दो। मैं यहां हूं लेकिन मेरे आदमी वहां हैं। अगर तूने गोली चलाई तो तेरे बाप को सीधे ऊपर पहुंचा दूंगा। विष्णुराज, have a seat. Thank you. मैं बहुत खुश हूँ मिलने का मौका जो मिला। काम की बात करो। मेरे बिजनेस में मेरा एक दुश्मन है जो मुझे बहुत तंग कर रहा है। मैं उसे रास्ते से हटाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये काम आप ही करें, क्योंकि जॉर्डन ही ये काम कर सकता है। कौन है वो? देवराज। डिटेल्स। इस काम के लिए मुंह मांगी कीमत मिलेगी। ये रहा आपका एडवांस। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं भी नहीं कर रहा मिस्टर स्टीफन एंथनी। तुम्हारा असली नाम विष्णुराज नहीं है, स्टीफन एंथनी है, असिस्टेंट कमिश्नर स्टीफन एंथनी। तुमने कब से इलीगल बिजनेस करना शुरू कर दिया? फ्लोरा योर स्वीट वाइफ, जेरी एंड जॉली तुम्हारे दो बच्चे लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ते हैं, जॉर्डन सूर्यदास विक्रमदास, इनके केस की इंक्वायरी के लिए तुम्हें यहां भेजा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर स्टीफन एंथनी, मैं सब जानता हूं।
जॉर्डन, जितना सोचा था उससे ज्यादा तेज निकले। तुम मेरा टारगेट नहीं हो, मेरा टारगेट है सूर्यदास और विक्रमदास। उन्हें खत्म करना है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे दादा के मौत के जिम्मेदार वो दोनों ही हैं। So, सूर्यदास के खिलाफ मुझे एक सबूत लाके दे दो, उसी वक्त मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा। मैंने और मेरे डैड ने कभी भी पुलिस वालों पर विश्वास नहीं किया और ना ही आगे करेंगे। सूर्यदास के खिलाफ सबूत पुलिस वालों को चाहिए, जॉर्डन को उसकी जरूरत नहीं। नाइस मीटिंग यू मिस्टर स्टीफन एंथनी। जॉर्डन यहाँ पर है, जल्दी आ जाओ। समझा रे क्या आज की रात का, बस है ये मौका, जान ले छुपे हर राज तू, तुझको मिलेगा ना वक्त है ये। Just trending in speed, never in speed to speed. Love brings money, a girl soon brings. We reach a die old, a poor unburned a seed. Bad gets burned, a good get buried. Realize when you're born, whom you define. The background of outcast, keep matrix mind. It's in his walk, of course, wicked demise. His love is wrong, cause he was raising a life. Time we should begin, then go to work. Pagalpan ki had hai, ab rukna nahi hai. Aaye kitni badi mushkil. Ye josh, ye junoon, kuch karne ko beta. है तेरी जीत पक्की, समझा रे क्या, खोल के रख दे बंद सारे दरवाजे, जो छिपी है वो पहली बुझा दे। ए विक्रमदास, जॉर्डन को ढूंढ रहे हो? जॉर्डन तो चला गया, साथ में तेरे बाप को भी ले गया। हेलो। अपने बाप को ढूंढ रहा है क्या? ढूंढ मत, मैं उसे सीधे नर्क पहुंचा रहा हूँ। क्या बक रहा है? तेरे बाप की गाड़ी में मैंने बम लगा दिया। क्या बोला बाप? जब तक गाड़ी चलती रहेगी तब तक इसकी सांसें भी चलेंगी। गाड़ी रुकी और ये खलास।
ए जॉर्डन, मेरे डैड कहाँ हैं? मेरे साथ गाड़ी नंबर 9326। बचा सकता है तो बचा ले। गुड बाय। नहीं, नहीं, नहीं। हट रास्ते से, हट। बंद करो, जल्दी। ए हटो, हटो सामने से, हट जाओ, जाओ, रुक जाओ। आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? तुझे कहा ना, बैठ वहां पर। अरे नहीं भाई, मैं यहीं पर। बोला ना, बैठ चुपचाप। एक खास खबर देने आया था। हाँ बता। तुम्हारे गैंग में कोई जॉर्डन का जासूस है। नहीं, हो सकता है यही वो जासूस। अरे नहीं नहीं भाई, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ वो। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं मैं... तो तेरे में ऐसी क्या खासियत है? जाओ, वहां जाकर खड़ा रहे, चल निकल। तुम्हारे डैड की मौत पर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारे यहाँ आने का भी मुझे बहुत दुख हुआ। जिसने सूर्यदास को मारा, उस जॉर्डन को मत छोड़ना। बस एक कंप्लेंट दे दो, तुम्हारे सामने मैं उसे पकड़ूंगा और कुत्ते की तरह मारूंगा, या फिर उसका इनकाउंटर कर दूंगा। अगर मैं शेर हूं तो जॉर्डन भी शेर है। शेर सिर्फ शेर से ही लड़ता है। शेर कभी लोमड़ी या कुत्तों से लड़कर नहीं मरता। जब सांप डसता है ना, तो शेर भी मरता है, याद रखना।
हेलो, विक्रम दास बोल रहा हूँ। तेरे अंकल को मारकर मैं तुझे वही सीन दिखाऊंगा जो तूने मुझे मेरे डैड को मारकर दिखाया था। अच्छा आप सुन, लोकेशन लिख। तुम मुझे मारकर उसका साम्राज्य खत्म नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मार तो मुझे। ओके, गुड लक अंकल। गुड जॉब ज़ायरा, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। वी आर प्राउड ऑफ यू, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ कि तुम सबूत लाई होगी। हाँ, मैं लेकर आई हूँ सर। लाओ दो। सर, जॉर्डन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस केस में जॉर्डन और डिपार्टमेंट का एक ही मकसद है, इसीलिए जॉर्डन को कुछ नहीं होगा। टेक द एविडेंस। ये एविडेंस काफी है, अब स्टीफन एंथनी का खेल देखना। आपका काम हो जाएगा, हमने कह दिया ना, काम हो जाएगा। यू आर अंडर अरेस्ट। जब तेरा मन करेगा तब तू आके मुझे अरेस्ट करेगा क्या? मुझे क्या पप्पू समझा है? एनी एविडेंस? नहीं तो अरेस्ट वारंट। ऐसे खाली हाथ आओगे तो कैसे चलेगा सर? तुमसे मिलने खाली हाथ नहीं आया, तुम्हारे लिए खास तोहफा लाया हूं। वारंट, अरेस्ट वारंट। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत सबूत है। कम बेटा, इतना ज्यादा फुदकना किसी की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सो माय डियर, सिंगल पीस में चलो, नहीं तो टुकड़ों में ले जाऊंगा। कहाँ ना चल। Oh!
तुम्हें अरेस्ट करने से पहले मैंने इसे अरेस्ट किया है। मैं नहीं जानता था यह केस इतनी जल्दी खत्म होगा। अंदर चलो, अंदर चल। Happy journey. जेल जाने से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता, लेकिन जब तक कि मैं तुझे मार ना दूं, जेल कैसे जाऊं? तो अब तुझे मारने के बाद मैं आराम से जेल जा सकता हूं। गुड बाय जॉर्डन। तू जेल नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। अरे सर, अरे सर, वेरी गुड। सर गाड़ी रोकूं क्या? रोकने की जरूरत नहीं, चलाते रहो, चलो।
अरे ये क्या सर, विक्रम दास को जॉर्डन ने मार दिया। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन अब हम क्या करेंगे सर? हमें क्या करना है, विक्रम दास का खून करने के बाद जॉर्डन भाग गया। अब हम पुलिस वाले अरेस्ट वारंट निकालेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे।